नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय वर्मा, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड प्रोफेसर मेडिसिन शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। मैं लास्ट 20 ईयर से मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपके सामने मैं डायबिटीज़ से संबंधित कुछ जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि हमको पता है, डायबिटीज़ आज एक बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है, लेकिन डायबिटीज़ के साथ है कि डायबिटीज़ कई बार अकेले नहीं आती है। इसके साथ पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर या फिर अन्य बीमारियां होने की भी संभावना बहुत हाई होती है। अन्य बीमारियों में जैसे कि ब्लड प्रेशर का बढ़ा होना या डिसलिपिडीमिया, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल अमून भाषा में कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, यह भी पाया जाता है। तो डायबिटीज़ के इलाज के साथ साथ हमको कोलेस्ट्रॉल का इलाज और ब्लड प्रेशर का इलाज भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह पाया गया है कि जब यह दो तीन बीमारियां एक साथ होती हैं, उस समय पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस या अन्य रिस्क होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो हमको डायबिटीज़ का इलाज के साथ साथ हमें ब्लड प्रेशर एवं कोलेस्ट्रॉल बढ़े होने का भी इलाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह इलाज न होने पर पेशेंट्स को अन्य गंभीर बीमारियां, जिसमें कि मुख्यतः हार्ट एवं ब्रेन से संबंधित बीमारियां हैं, वह होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम इन तीनों का इलाज एक साथ और अच्छी तरीके से कंट्रोल करते हैं, तो इन सब खतरों से हमारा बचाव बहुत अधिक तरीके से हम बचाव अपना कर सकते हैं। धन्यवाद।